easy, and I am personally grateful to him for this place for us. It teaches us about the trust. The program वहाँ पर change हो गया और बहुत सारे people who you from. Doctor G. Vinduni, who always supports me for 10 years duration. I have visited long back Manasbar and now I am looking at it again and again और ये हर बार मुझे एक नई सी अट्रैक्शन इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस आता है बढ़िया काफी हाँ और एक और जानकारी आप सभी के लिए शायद आपको पता हो या नहीं पता फिर मैं बता देती हूँ मानसबल इंडिया के सबसे डीपेस्ट लेक है मैंने मुझे यहाँ पर आके पता लगा तो वही है कि आप ऐसे कोर्सेज करते हो तो आपको जानकारी वगैरह भी मिलती है एक जिंदगी में आप मैं कभी भूलूंगी नहीं सो दिट्स इट्स इट्स ब्यूटिफुल इट्स अमेजिंग और काफ़ी बढ़िया यहाँ के लोग मैं कल्चरली काफ़ी राजस्थान की हूँ एंड नो ऑफेंस बट यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल जैसे लिटरली आप किसी से भी बात कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रेंजर से भी एंड पाँच मिनट बाद आफ्टर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन यू विल फील लाइक कि हाँ मैं इस इंसान को जानती हूँ या जानता हूँ सो दे आर वेरी हॉस्पिटेबल दे आर वेरी लविंग दे आर वेरी पीसफुल दे आर वेरी हेल्पिंग मेरा नाम शमीम अयाज कटोच है मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से जम्मू कश्मीर से ही हूँ मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हमें 10-15 दिन हुए हम खुले आम घूमे हमें ना हमें पत्थर देखने को मिला ना कहीं फायर हुआ ना कुछ ये तो सब मीडिया फैलाता है मीडिया आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते मैं आपके लिए नहीं कहता बाकी जो बाहर के हैं जो कश्मीर को बदनाम करना चाहते हैं ये साजिश है यहाँ कुछ नहीं है अगर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ तो किसी के साथ कुछ नहीं होगा सब अच्छा है यहाँ का जो IASM का स्टाफ है सबसे अच्छा है हमारा तो ये दिल नहीं करता था पहले पानी में उतरने का तो इन्होंने हमें सिखाया अच्छे फैमिली की तरह बिहेव किया बहुत अच्छा है बहुत मैं अगर मेरा बात ये सुन रहे कोई बच्चे हो यंगस्टर हो तो वो आने की कोशिश करे यहाँ का माहौल भी अच्छा है मौसम भी अच्छा है लोग भी अच्छे हैं सब कुछ अच्छा है यहाँ आइए और टूर करिए बहुत अच्छा है देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मानसबल जो है एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी यहाँ की जो लेक है उसके लिए काफ़ी लोग जो है दूर दूर से पूरे मुल्क से वर्ल्ड से आ जाते हैं देखने के लिए लेकिन अब की बार जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने IASM ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिल करके एक यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था ये पिछले 8-10 दिन से चल रहा था आज उसकी कंक्लूडिंग थी आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू नोट दैट के पूरे मुल्क से जो है बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं इवन लेडी पार्टिसिपेंट्स आर देयर फ्रॉम कर्नाटका महाराष्ट्र या राजस्थान से काफ़ी एनकरेजिंग है और ये न सिर्फ कि वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं बल्कि ये टूरिज़्म को ओवरऑल एम्बेसडर बन करके प्रमोशन करते हैं और कश्मीर को खासतौर से इस तरह की प्रमोशन की ज़रूरत है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के ऐसी वाटर बॉडीज़ में और भी एक्टिविटीज़ करने का प्लान किया हुआ है चाहे वो वुलर हो चाहे वो मानसबल हो या डल में तो है चल ही रहा है सारा इसी तरीके से जम्मू डिवीजन में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान की गई है और आने वाले दिनों में वाटर स्पोर्ट्स को और एडवेंचर टूरिज्म को थ्रू वाटर स्पोर्ट्स प्रमोट करने का प्लान है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की जो चैम्पियनशिप है इस तरह की जो इवेंट है वो यहाँ पे दोबारा और भी आगे इससे भी बड़े पैमाने पे होगी जिससे न सिर्फ कि हमारे मानसबल को एज ए यू नो वाटर बॉडी बल्कि एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने में हमारी मदद देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर सपोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत होती है नो डाउट कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करेंगे कि श्रीनगर में या जम्मू में रणजीत सागर डैम के पास अगर आप देखेंगे रणजीत सागर जेल में वहाँ अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है लेकिन चूंकि बाकी जगहों पर ज़रूर लिमिटेशन कुछ हैं लेकिन अभी जो इस वक्त प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की जिस तरीके से वो वाटर सपोर्ट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या जिस तरीके से टूरिज्म के चलते हुए एडवेंचर टूरिज्म के जरिए से इसको प्रमोट कर रहे हैं मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी जो दिक्कतें हैं उनको भी दूर किया जाएगा लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे नेशनल लेवल के इसमें स्टेक होल्डर्स हैं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर के जो है यहाँ के लोगों को प्लेटफॉर्म देने का जो हमने प्लान किया है उसके लिए जो भी करना होगा वो टूरिज्म डिपार्टमेंट और IASM या सपोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलकर के जो है उसके करने के लिए तैयार है।